Hey everyone, welcome you all in my channel Science Side. My name is Charu. I am your biology mentor, and let's start the MCQs which are from chapter Body Fluid and Circulation, which is the 11th class chapter. ये video आपके NEET exam के view से भी बहुत important है. MCQs बहुत important है. Teaching exam के लिए अगर आप अपने आप को prepare कर रहे हैं तब भी जो questions हैं वो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं. तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर वन. एंड द क्वेश्चन नंबर वन इज, बच्चे ऑलरेडी वी हैव डन 20 क्वेश्चंस, हम कर चुके हैं. आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं. दिस इज फ्रॉम द 21st क्वेश्चन. और जो आज वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पहले से ही उसमें जो आपके वीडियोज बन चुके हैं वो आपको विजिबल हो सकें. 21st क्वेश्चन है हमारे पास. व्हेन इज द ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन ऑर्टा मैक्सिमम. ब्लड प्रेशर जो है ऑर्टा में कब मैक्सिमम होता है, मैमल्स में कब ऑर्टा में ब्लड प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होता है. ऑर्टा आपकी कहाँ थी, हार्ट में, जिसका वेंट्रिकल के साथ कनेक्शन था. वेंट्रिकल उसको क्या करता था, वेंट्रिकल भी कौन सा, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड जो है वो किसको देता है, ऑर्टा को. इसका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑर्टा को सारा ये वर्क प्रोवाइड कर देता है कि आपको बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंचाना है. तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हैं, देयर इज अ व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद अ हाई प्रेशर, इट मूव्स टू द ऑर्टा एंड देन फ्रॉम द ऑर्टा टू द बॉडी ऑर्गन्स. तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिस्टॉल, सिस्टोल. तो यहाँ पे ऑप्शन है डायस्टॉल, दैट इज रिलैक्सेशन, ये नहीं आएगा. सिस्टोल दैट इज कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, बिल्कुल करेक्ट. यहाँ पे भी ऑप्शन डायस्टॉल नहीं आएगा. मैंने कहा रिलैक्सेशन नहीं हो रही है, हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लेफ्ट एट्रियम की नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं. हमारे पास चार चैम्बर्स होते हैं ना हार्ट के, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम होता है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे राइट हमारा एट्रियम है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है. इसको ब्लड कौन दे रहा है, इसको ब्लड दे रहे हैं हमारे लंग्स, ठीक है, और वो भी कौन, पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचा रही है, फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, हार्ट में, ठीक है. फर्स्ट वाला चैम्बर आप इसी को समझ लीजिए. एंड देन फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इट गो, ब्लड गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है कि ऑर्टा को सारे बॉडी ऑर्गन, ऑर्टा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करना, ठीक है. तो ये जो लेफ्ट पार्ट है इसको सिस्टेमिक हार्ट भी बोलते हैं. इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बॉडी ऑर्गन्स तक सप्लाई पहुंचाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की. तो कॉन्ट्रैक्शन से ही होगा ये, कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल भी बोलते हैं. द सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22nd क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है हमारे पास. डॉक्टर यूज अ स्टेथोस्कोप. आपकी हार्ट बीट, आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपकी हार्ट बीट सुनने के लिए, डॉक्टर जो है आपकी चेस्ट पर स्टेथोस्कोप से मेजर करता है कि आपकी हार्ट बीट कैसी है. नाउ द डॉक्टर हियर द साउंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल. तो हर एक कार्डियक साइकिल के अकॉर्डिंग आपको लब की और डब की आवाज आती है. व्हेन इज द सेकेंड साउंड हर्ड, ये फर्स्ट साउंड है हमारी एंड दिस इज द सेकेंड साउंड. ये सेकेंड साउंड है ये कब आती है, फर्स्ट अगर लव की बात करें, जिसके बारे में ऑलरेडी फर्स्ट वाली वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ, दिस इज अ लाउडर, आपकी ये लाउडर होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है. मैंने कहा भी था कि सारे वर्ड एल से स्टार्ट हो रहे हैं, लव के लिए सारे वर्ड एल से. लाउडर है, लो पिच वाली है और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है. दिस इज फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन. और ये कब प्रोड्यूस होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये प्रोड्यूस होती है जब हमारे एवी जो वेल्व है वो क्लोज होती है. जब एवी वेल्व क्लोज होगी तब ये आवाज प्रोड्यूस होगी. फर्स्ट वाली की बात करी थी, अब सेकंड वाली की बात कर लेते हैं. सेकंड कब प्रोड्यूस होगी, सेकंड आपकी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे फर्स्ट का मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है. अब सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड कब प्रोड्यूस होगी, सेकंड प्रोड्यूस होगी जब आपका सेमी ल्यूनर वेल्व, सेमी ल्यूनर वेल्व कहाँ पे प्रेजेंट थे, सेमी ल्यूनर वेल्व जो है आपके वो क्लोज हो जाएंगे. और ये सेमी ल्यूनर वेल्व कहाँ है, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है
और ये जो हमारा आटा है, इन दोनों के बीच में काम चल रहा होता है ना, सप्लाई चल रही होती है किस चीज की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई चल रही है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हाई प्रेशर से दे दिया है आटा को, ताकि आटा सारे बॉडी ऑर्गन्स तक इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा सके, ठीक है, ये इसका काम था। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑटा के बीच में यहाँ पे एक गेट प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वेल। तो ये जब क्लोज होगा, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, वेंट्रिकल की तरफ वापस ना आ जाए ब्लड, हमें तो बॉडी ऑर्गन तक देना था, तो हम ऑटा की हेल्प ले रहे थे। तो बीच में ये जो गेट है, ये जो डोर है, जैसे सेमी ल्यूनर वेल, इसके क्लोज होने से हमें आवाज आती है डब। तो दिस इज द सेकेंड हार्ट साउंड, और स्टेथोस्कोप से हमें मेजर करना था, तो देख लेते हैं अब आंसर क्या है। ऑप्शन थे, वेंट्रिकुलर वॉल वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन कुछ नहीं है हार्ट में, सेमी ल्यूनर वेल्व आपकी क्लोज होती है। देखिए ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एवी नोड, नोड की बात नहीं आने चाहिए, हम एक्शन पोटेंशियल की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एवी वेल्व जब ओपन होती है, जब एवी वेल्व क्लोज होती है आपकी, तब आपकी जो हार्ट साउंड लब है वो आती है, और जब सेमी ल्यूनर वेल्व आपकी क्लोज होती है, तब आपकी डब की आवाज आती है, दैट इज द सेकेंड हार्ट साउंड। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, जो ब्लड प्रेशर है पल्मोनरी आर्टरी में, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि उसका जो ब्लड का प्रेशर है वो सेम है एज दैट इन ऑटा। ऑटा की अभी जस्ट अभी मैंने बात की बच्चे, कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट करने से आपका जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, ऑटा में, ठीक है। और कैसा प्रेशर होगा वहां पे, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से वो जो ब्लड है वो पहुंचता है ऑटा में, और ऑटा का काम है इस ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक, सारी बॉडी तक, चाहे वो फीट तक पहुंचाना हो, उसका काम है पहुंचाना, तो उसको हाई प्रेशर से हम आगे जो है भेजते हैं। तो यहाँ पे सेम नहीं हो सकता, प्रेशर इस साइड का बहुत ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कैसा है, बहुत हाई, मोर देन दैट इन द कैरोटिड। अब यहाँ पे लिखा है ज्यादा है किससे, कैरोटिड से, बल्कि कैरोटिड कौन सी आपकी आर्टरी है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रही है हार्ट में, क्योंकि हमने कहा कि ऑटा का काम है कि सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाना है, तो हार्ट को भी तो हमें ब्लड देना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो जो आर्टरी है दैट इज नोन एज अ कैरोटिड आर्टरी, उससे तो ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, उससे तो कम होगा। हमारा जो लेफ्ट साइड का हार्ट है, जो लेफ्ट हार्ट है, उस हार्ट के लिए हम सिस्टेमिक वर्ड भी यूज करते हैं, सिस्टेमिक हार्ट। और वहां पे अगर ब्लड प्रेशर का कंपैरिजन करें ना बच्चे राइट से, क्योंकि यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है किस साइड है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, वहां पे, क्योंकि इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाना है, यही काम होता है इसका। तो ये तो है राइट साइड पे, एज इन दोनों का कंपैरिजन करें राइट और लेफ्ट का, तो लेफ्ट साइड का प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू राइट साइड। तो यहाँ पे सेम लिखा था, ये भी नहीं हो सकता, ज्यादा लिखा है ज्यादा भी नहीं हो सकता, ज्यादा किससे हो सकता है, पल्मोनरी वेन से। हमारा जो लेफ्ट साइड का हार्ट है, इस तरफ का लेफ्ट हार्ट, वहां पे आपको पता है पल्मोनरी वेन है, जो कि लंग्स से हमें ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो सप्लाई करवा रही है लेफ्ट एट्रियम की तरफ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जिसको हम एट्रिया कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन जो है वो लेके आ रही है, तो वो आराम से काम कर रही है, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, वहां पे कोई प्रेशर नहीं लगा रहा है। यहाँ से ब्लड जब बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है ना, तब वो प्रेशर से जाता है, बहुत, जो हमारा हार्ट लेफ्ट साइड का है ना, वो प्रेशर से काम कर रहा है, लंग्स नहीं प्रेशर से काम कर रहे, लंग्स आराम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई जो है लेफ्ट एट्रिया को, एट्रियम को करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि राइट साइड की जो पल्मोनरी आर्टरी है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है एज कंपेयर टू पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे हम हाई बोल सकते हैं, एज कंपेयर टू द वर्किंग ऑफ हार्ट, जो लेफ्ट साइड का हार्ट है वो वर्क करता है हाई प्रेशर में, लेकिन जब बात आती है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की, तो पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है वो हाई होता है एज कंपेयर टू पल्मोनरी वेन। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, यस दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड एज इट हैज। अब लिम्फ जो है हमारा क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूड है, क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूड है,
इसको मिडल मैन भी कहते हैं। अच्छा, लिम्फ की फॉर्मेशन कब होती है? जब जो ब्लड है, आर्टरीज जो है वो ब्लड लेके आ रही हैं, ये आर्टरीज जो हैं कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है ना, कि इन्होंने डिफरेंट सेल्स के अंदर इस जो आपका ब्लड है उसकी सप्लाई करनी है। तो ये जो कैपिलरीज हैं, इसमें से कुछ वाटर का कंटेंट, कुछ आपका जो है प्लाज्मा, आप बोल सकते हैं, कुछ प्लाज्मा जो है विदाउट आरबीसी, आरबीसी तो बिल्कुल नहीं है, विदाउट आरबीसी, अगर ये मूव आउट कर जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूड हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल्स के बीच बीच में ये फ्लूड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, इन द टिश्यूज। तो इंटरस्टिशियल फ्लूड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, लिम्फ की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसमें क्या है, आरबीसी तो है नहीं। एक हिंट देती हूँ कि जो डब्ल्यूबीसी है वो बहुत ज्यादा है। अब डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, इस वहीं से इसका नाम जो है लिम्फ, थोड़ा सा जो है वहीं से आपको हिंट मिल जाता है कि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम लिम्फ है। तो इसमें थोड़ा वाटर का कंटेंट है, कुछ प्रोटीन्स हैं, सब प्रोटीन्स नहीं है, क्योंकि जो लार्ज वाला, जो लार्ज साइज का प्रोटीन है वो पास नहीं कर सकता इसकी सरफेस से। तो जो स्मॉल वाले प्रोटीन्स होते हैं, स्मॉल साइज के प्रोटीन्स, वो पास आउट कर जाते हैं। तो इसमें कुछ प्रोटीन्स हैं, वाटर का कंटेंट है, आप डब्ल्यूबीसी को देख सकते हैं, यहाँ पे लिम्फ के अंदर स्मॉल साइज के प्रोटीन है, वाटर है, ये सारी चीजें होती हैं। बट देयर इज नो आरबीसी, द लिम्फ इज विदाउट आरबीसी। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख लेते हैं, इट इज प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स, नहीं, प्रोटीन्स का कुछ कंटेंट है, मोर डब्ल्यूबीसी नो आरबीसी, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर आरबीसी, आरबीसी तो है ही नहीं बच्चे, ठीक है, नो प्लाज्मा, नहीं, प्लाज्मा ही है जो मूव आउट करा है, दिस इज द मूव आउट प्लाज्मा एक तरह से, जिसमें डब्ल्यूबीसी दैट इज लिम्फोसाइट्स आर इन एक्सेस, स्मॉल साइज के प्रोटीन्स हैं, कुछ वाटर का कंटेंट है, लेकिन आरबीसी बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 25th है हमारे पास, द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग इज द एबीओ ग्रुपिंग। किसने दिए थे भाई ब्लड ग्रुप्स? कार्ल लैंडस्टीयर ने। स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, उन्होंने ब्लड ग्रुप्स दिए हमें, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप, इसलिए हम इन सबको एक साथ ऐसे लिखते हैं, ए बी ए और बी भी आ गया, ए बी भी आ गया एंड देन ओ, ए बी ओ ग्रुपिंग दी उन्होंने हमें, इट इज नेम्ड ए बी ओ, हमने ए बी ओ नाम रखा है, हमने ए बी सी नाम नहीं रखा, ऐसा क्यों? ताकि ओ से हिंट मिले आपको जीरो का, एंड दिस ओ डिनोट कि अगर आपके पास ए ब्लड ग्रुप है तो आपके पास एंटीजन जो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है वो कौन से हैं, ए एंटीजन्स हैं, ठीक है, ए एंटी, अगर आपके पास बी ब्लड ग्रुप है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन आपका बी प्रेजेंट है, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीजन जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है दैट इज ए एंड एंटीजन बी, दोनों प्रेजेंट है, अगर ओ है यानी जीरो है तो यहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, वहीं से हिंट मिलता है, देयर इज नो एंटीजन, इसीलिए इसका नाम है ओ, जीरो, ओके। तो ओवर डोमिनेंस का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वन एंटीबॉडी आइदर एंटी ए एंटीबॉडी, बल्कि एंटीबॉडी वाला कंसेप्ट भी बाद में आता है, देयर इज नो एंटीजन ए एंड बी ऑन द आरबीसी सरफेस इन द ओ ब्लड ग्रुप, जो जीरो वाला ब्लड ग्रुप है, मैं जीरो इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे जीरो से ही कि यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, अदर एंटीजन बिसाइड देन ए और बी, नहीं, एंटीजन तो इसी से रिलेटेड होगा, अगर ए ब्लड ग्रुप है एंटीजन ए, बी ब्लड ग्रुप है एंटीजन बी, ए बी ब्लड ग्रुप है एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो कोई एंटीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी लंग्स के अंदर की बात कर रहे हैं, लंग्स में किस तरह से सर्कुलेशन चलती है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस कि बच्चे जो लंग्स होते हैं, लंग्स की पल्मोनरी वेन, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसको दे रही है,
लेफ्ट एट्रियम को, और लेफ्ट एट्रियम ये सारा ब्लड जो है कॉन्ट्रैक्शन करके लेफ्ट वेंट्रिकल को दे रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो सेमी ल्यूनर वेल्व है उनके थ्रू सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहे हैं ऑटा को, और ऑटा का काम है कि आर्टरीज के थ्रू आर्टरीज बनाना, कैपिलरीज बनाना और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना। ये आ गया सारा काम लंग्स से किस तरह से लेफ्ट साइड पे चल रहा था। अगर राइट साइड की बात करें तो जो हार्ट है वहां से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वो लंग्स को सप्लाई होता है, लेकिन उसमें हेल्प कौन करता है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर हार्ट में भी बात करें कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आ रहा था, तो राइट एट्रिया में, राइट से लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट वेंट्रिकल में, राइट साइड में इस तरह से चल रहा है, और राइट वेंट्रिकल की ही पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में सप्लाई कर रही है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। इस तरह से चल रहा था और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इस तरह से लंग्स से, वो साइकिल एक पूरा चल रहा है हार्ट में और लंग्स के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, इन ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स ऑक्सीजन, एक मिनट पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ जो मैंने बहुत सारा लिखा है यहाँ पे। इन ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में भेज रहे हैं, ये साइकिल तो कुछ नहीं बन रहा। लेफ्ट ऑरिकल में डी ऑक्सीजनेटेड, ये तो वैसे ही गलत हो गया, लेफ्ट साइड पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं था, यहाँ पे लिखना चाहिए था इनको कि ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में लिखा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लंग्स में जा रहा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट, और फिर से लेफ्ट ऑरिकल आ गया, और फिर से इसका रिलेशन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, यहीं पे मिस्टेक पकड़ी गई। राइट ऑरिकल में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स, ये वाला ऑप्शन गलत था, ये वाला सही है। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एक मिनट, राइट ऑरिकल में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिल्कुल सही बात, वो लंग्स को ब्लड दे रहे हैं डी ऑक्सीजनेटेड, बिल्कुल सही बात, एंड ऑक्सीजन, हाँ ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज डी ऑप्शन, कि राइट साइड में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है लंग्स में, और लंग्स का काम होता है, ये शॉर्टकट में इन्होंने लिख दिया, लंग्स का काम है पल्मोनरी वेन के थ्रू जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको आपके लेफ्ट साइड पे सेंड कर देना, लेफ्ट एट्रियम की तरफ, लेफ्ट ऑरिकल की तरफ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 27, व्हाट डज सिस्टेमिक हार्ट रेफर टू। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस कि लेफ्ट साइड वाला जो हार्ट है, जहां पे आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है, जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, और ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वेंट्रिकल के थ्रू हमने ऑटा की हेल्प से बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाना है विद हाई प्रेशर, इसी को ही सिस्टेमिक हार्ट कहते हैं, इसी को सिस्टेमिक हार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ढूंढिए लेफ्ट साइड कहाँ है, टू वेंट्रिकल्स को इकट्ठे हम बोलते हैं, नहीं, हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्टिमुलेशन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, नहीं, हमारा नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट को कंट्रोल नहीं करता, हमारा हार्ट है मायोजेनिक, कैसा है? मायोजेनिक। नाउ लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इन द हायर, बिल्कुल सही बात कि लेफ्ट साइड के हार्ट को ही हम सिस्टेमिक हार्ट बोलते हैं, इंटायर हार्ट को हम सिस्टेमिक नहीं बोलते, लेफ्ट साइड के हार्ट को हम बोलते हैं, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28, ब्लड मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम अ पेशेंट एंड केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर द एनालिसिस ऑफ द कॉर्पसल्स की स्टडी के लिए, जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, उनकी स्टडी के लिए हमने इसको टेस्ट ट्यूब में रखा था, एंड प्लाज्मा, द फॉलोइंग फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब आर प्रोवाइडेड टू यू, विच वन विल यू नॉट यूज फॉर दिस पर्पज, किसको आप यूज नहीं करेंगे? चिल्ड टेस्ट ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब दैट कंटेन कैल्शियम बाइकार्बोनेट, टेस्ट ट्यूब दैट कंटेनिंग हिपेरिन, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्सालेट। तो आप उस टेस्ट ट्यूब को यूज नहीं करेंगे जिसमें होगा कैल्शियम, बिकॉज इट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कैसे पता चला कि ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है? जितनी भी हमने रिएक्शंस करी थी, आपने देखा था कि हमारा जो प्रोथ्रॉम्बिन है,
जब हमारा प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा था, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम की प्रेजेंस में। फिर ये थ्रोम्बिन हमारा क्या करता है, ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। वो धागे जो फाइब्रिन मतलब फाइबर का मतलब होता है धागे, ऐसे धागे जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और इन सब रिएक्शंस को करने के लिए कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो कैल्शियम का ये जो कंपाउंड है, द कंपाउंड विच इज रिलेटेड टू द कैल्शियम, इट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब हम यूज नहीं करेंगे जिसमें कैल्शियम का कंपाउंड है, बिकॉज कैल्शियम कंपाउंड्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोमिन। इसके अलावा एक एंजाइम भी होता था, कैन यू नेम द एंजाइम विच हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ दिस रिएक्शन? आप मुझे बता सकते हैं? थ्रम्बोकाइनेज का आपने नाम सुना होगा, थ्रम्बोप्लास्टिन जो है थ्रम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करता है इसी रिएक्शन में। मैं इसी स्टेप की बात कर रही हूँ, कैल्शियम तो है ही यहाँ पे, थ्रम्बोकाइनेज इस रिएक्शन को करवाने के लिए एक एंजाइम है जो हेल्प कर रहा है। फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। फाइब्रिनोजन क्या है? प्रोटीन है ना एक तरह से। सो यहाँ पे आपका आंसर है दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज 29th पे हम आ चुके हैं। व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द लिम्फ के बारे में? सही स्टेटमेंट क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूड है ना, सेल्स के बीचों बीच हमें कुछ प्लाज्मा जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये प्लाज्मा जो है कुछ इसमें वाटर का कंटेंट है, कुछ इसमें WBC है, लिम्फोसाइट्स हैं, RBC बिल्कुल नहीं है। तो ये कैपिलरी से निकल के यहाँ बीच बीच में प्रेजेंट है सेल्स के, तो इसको हम मिडल मैन बोलते हैं, हम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूड बोलते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट सही ये है, WBC एंड सीरम ऑल कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड, ब्लड के कॉम्प्ला मैंने अभी बोला कि प्लाज्मा है इसमें, प्लाज्मा के अंदर ही आप देखते हैं कि वाटर का कंटेंट होता है, प्रोटीन्स होती हैं इसमें थोड़ी बहुत जो छोटे साइज की हैं जो बाहर निकल सकती हैं ना कैपिलरीज के सरफेस में से, वो बीच में यहाँ पे प्रेजेंट आपको दिखेंगी। ठीक है, तो आपको WBC यानी लिम्फोसाइट्स दिखेंगे इसमें एक्सेस में, क्योंकि आपको पता है इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए लिम्फ भी बहुत हेल्प करता है हमारी। तो ब्लड में एक्सेप्ट RBC को छोड़ दें तो आप उसको और कुछ प्रोटीन्स को जो लार्ज साइज के हैं जो पास आउट नहीं हो पाएंगे हम उसको बोलते हैं लिम्फ। मुझे ये स्टेटमेंट सही लग रही है, RBC जहां लिखा है लिम्फ में RBC होगा ही नहीं, तो उस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं इन दोनों ऑप्शंस को बिल्कुल ही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द ल्यूकोसाइट? ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? WBC। ठीक है, इनको WBC कहते हैं, और इनमें आगे आपको पता है क्लासिफिकेशन आ जाती है ग्रैन्यूलोसाइट एंड ए ग्रैन्यूलोसाइट। अब मैंने आपको कहा था एक ट्रिक है कि जिसके पास ग्रैन्यूल्स फिल्ड होंगे वहां पे आपकी नेमिंग चलेगी इओसिनोफिल, वहां पे फिल फिल लगा होगा, कैसा? इओसिनोफिल बेसो फिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल, सब में फिल्ड है, कौन? ग्रैन्यूल्स फिल्ड हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये तीन हो गए, ठीक है, और ए ग्रैन्यूलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स जो है वो छोटे साइज के हैं। अब मैं इस तरीके से याद रखती हूँ कि नहीं फिल्ड है, ठीक है, लेकिन है ग्रैन्यूल्स छोटे साइज के हैं, इनमें बड़े साइज के ग्रैन्यूल्स होते हैं, इन तीनों में बड़े साइज के। तो इनमें आप ल्यूकोसाइट्स और सॉरी इनमें आप याद रखते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को, इनमें आप याद रखते हैं मोनोसाइट को और लिम्फोसाइट को, इन दोनों को याद रखते हो, ये दोनों नाम चलते हैं एक ग्रैन्यूलोसाइट्स के लिए। अब यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द ट्रू अबाउट द ल्यूकोसाइट्स के लिए, क्या बात सही है? दे आर सडन फॉल इन नंबर इन एन इंडिकेशन। इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन आपको याद करवाने के लिए लिखा है। देयर सडन फॉल इन नंबर इज एन इंडिकेशन ऑफ ब्लड कैंसर। फॉल इन नंबर को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपके जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, आप इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपने आप अपनी बॉडी का जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ब्लड कैंसर की सिचुएशन कब आती है? जब ल्यूकीमिया की सिचुएशन आती है। ल्यूकीमिया मतलब एक्सेस इन द नंबर ऑफ द WBC, एक्सेस नंबर होना चाहिए था, इन्होंने थोड़ा सा उल्टा लिखा है, इन्होंने कहा है सडन फॉल इन नंबर, दैट इज ल्यूकोपीनिया।
ठीक है, ल्यूकोपीनिया में क्या होता है, हमारी जो डेफिशिएंट, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, वी डोंट हैव अ एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, ओके। इसमें ल्यूकोपीनिया में ये सब आता है। ल्यूकीमिया जो है दैट इज रिलेटेड टू द ब्लड कैंसर इन विच देयर इज एक्सेस इन द नंबर ऑफ द WBC। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो गलत लग रहा है मुझे, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द थाइमस में, WBC प्रोड्यूस नहीं होते, रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हो आप। दे आर ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड नहीं, वो न्यूक्लिएटेड है। हम देखते हैं कि किसी में ट्राइलोब्ड है, किसी में बाइलोब्ड है, किसी में मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये जो डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको करवाई हैं उसमें न्यूक्लियस की इन्फॉर्मेशन मैंने फर्स्ट वीडियो में दे चुकी हूँ मैं। नाउ लास्ट ऑप्शन, दे कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल, ये बिल्कुल सही है, उनके पास प्रॉपर्टी होती है डाइपेडिसिस की, ठीक है, उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है मूव आउट करने की। कहाँ से मूव आउट करना, कैपिलरी के सरफेस से मूव आउट कर जाना, स्क्वीज आउट कर जाना, एंड दिस इज नोन एज अ डाइपेडिसिस। स्पेलिंग में थोड़ा सा देख लेना, एंड दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पल्मोनरी आर्टरी डिफर फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो जो प्रेशर से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन करा है कि इसका प्रेशर जो है हाइयर होता है देन दैट ऑफ पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी का। अब ये आर्टरी है और ये वेन है, तो एक और डिफरेंस तो बनता है। आर्टरीज में हम ये देखते हैं क्योंकि बहुत हाई प्रेशर से जो है वो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होना है, और जहाँ पे बहुत धक्के से, बहुत प्रेशर से ब्लड फ्लो होना है, ऑब्वियसली उसकी मसल्स की जो वॉल है, जो मस्कुलर वॉल है, वो कैसी होनी चाहिए, थिक मस्कुलर वॉल होनी चाहिए। तो ये एक ऑप्शन हम देख सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी वी हैव डन कि हाई प्रेशर होता है किसके पास, पल्मोनरी आर्टरी के पास एज कंपेयर टू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करवा रही थी, और किस तरफ करवा रही थी, हार्ट की तरफ करवा रही थी, तो वो आराम से काम कर रही है। अगर हार्ट काम कर रहा है ना, अगर लेफ्ट साइड के हार्ट की बात करें ना, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अभी क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बीच में कंपैरिजन था, तो हम ये बोलेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी में थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है, और क्योंकि ये आर्टरी है तो इसमें जो थिक मस्कुलर वॉल है वो प्रेजेंट होगी। एंडोथेलियम की बात नहीं आएगी, वेल्स की बात बिल्कुल नहीं आएगी, लार्ज ल्यूमेन और थिक मस्कुलर वॉल के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके पास थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं पल्मोनरी आर्टरी के पास, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है, वट इज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट द ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट एंड रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट। आप ब्लड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, यानी कि RBC, WBC, उन सब की बात हो रही है, और ये जो रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, उसका कंपेरिजन यहाँ पे, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट जो सही है वो पूछिए। RBC का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, बिल्कुल सही बात है, वेयर एज WBC का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, जो कि गलत बात है। WBC डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, दिस इज फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म। RBC तो ये ऑप्शन मेरे गलत है, RBC ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, सही बात है, वेयर एज अ प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का काम नहीं होता भाई ये, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट, और प्लाज्मा का काम है लेकिन प्लाज्मा कुछ और भी करता है वो भी बता दो, वो नहीं बताया इन्होंने। RBC एज वेल एज अ WBC ट्रांसपोर्ट, WBC तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करते बच्चे, WBC सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। RBC एज वेल एज अ प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन, हाँ हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि RBC सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं और उनका काम खत्म हो गया, नहीं। RBC के लिए जब हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे प्रॉपर, हमने देखा था दिस इज अ सेल, ये हमारा RBC है, हमें पता है कि जो इसका हीमोग्लोबिन है उसके पास ऑक्सीजन है, इसने ऑक्सीजन जोड़ के रखा होता है अपने आसपास आयरन ने, Fe2 पॉजिटिव ने, तो ये जो आयरन है इसके पास, ये जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है ये हमने सेल को ट्रांसफर करी थी, और सेल ने अपना एक्सेस ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो ट्रांसफर करा था RBC के अंदर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके उसने क्या बनाया था, कार्बोनिक एसिड H2CO3।
ये कार्बोनिक एसिड फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में टूट जाता है बाइकार्बोनेट में और एच पॉजिटिव आयन में। और फिर यहाँ पे हमने देखा था कि प्लाज्मा के साथ इसका एक्सचेंज होता है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, और प्लाज्मा का सीएल नेगेटिव जो है वो आरबीसी के अंदर शिफ्ट हो जाता है। हमने क्लोराइड शिफ्ट पढ़ी थी, तो ये दोनों ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो आरबीसी के अंदर भी है, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि सिर्फ ऑक्सीजन का कनेक्शन है आरबीसी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का है नहीं। वैसे प्लाज्मा का कोई कनेक्शन नहीं है ऑक्सीजन के साथ, दोनों के दोनों हेल्प करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में। तो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिम्ब, लिम्ब का क्या पर्पस है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है एक तरह से बॉडी का, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को, क्योंकि इसमें बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, दैट इज लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स तो वैसे ही एंटीबॉडीज, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इम्यून सिस्टम को हमारे जो है वो डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे लिम्फ को, जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूड बोलते हैं हम, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन की, नहीं ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की, नहीं रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूड टू द ब्लड, हाँ ये बोल सकते हैं रिटर्न द WBC RBC टू द लिम्फ। WBC RBC तो भाई लिम्फ में थे ही नहीं, तो वो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ये बोल सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास सिर्फ यही है, वैसे तो ऑप्शन में डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा ही यही है कि इंटरस्टिशियल फ्लूड जो कि लिम्फ को ही हम बोलते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वाटर का कंटेंट था, लिम्फोसाइट्स थे, प्रोटीन्स थे, थोड़े से वाटर का कंटेंट था और प्लाज्मा था, तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूड है ये ब्लड को वापस देने का काम करता है लिम्फ। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34, वेयर इज द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये मैंने ऑलरेडी अभी बताया आपको, जब हमने रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ा था, रेस्पिरेशन के भी वीडियोस हमारे पास चैनल पे आपको मिलेंगे एमसीक्यूज। तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारा, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ का कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे, आरबीसी के सरफेस में। अभी बहुत सारी रिएक्शंस करी मैंने, मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल्स के पास थी, टिश्यूज के पास थी, वो कंबाइन करके वाटर के साथ और उसने बना दिया कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के। फिर ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, ये टूट गया बाइकार्बोनेट आयन्स में, ये टूट गया इसमें और एच पॉजिटिव में। ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में हुई, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, और बाद में प्लाज्मा ऑफ द ब्लड जो है इस बाइकार्बोनेट आयन को अपने अंदर ले लेता है, और प्लाज्मा का जो सीएल नेगेटिव है वो आरबीसी के अंदर चला जाता है, एंड दिस इज नोन एज अ क्लोराइड शिफ्ट। इस रिएक्शन को तो मैं ऐसे ही आपको रिवाइज करने के लिए बता रही हूँ, लेकिन मेन बात ये है, ये देखो दोनों जगह आरबीसी के सरफेस के अंदर हमने इसको यूज करा है, यहाँ में हमने पढ़ा था, WBC में नहीं पढ़ा, प्लाज्मा में हमने नहीं पढ़ा, प्लाज्मा में तो क्लोराइड जो है वो शिफ्ट करा था ताकि उसको ये बाइकार्बोनेट आयन अपने अंदर मिल सके। तो आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज यानी इस CA को हम पढ़ते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। डन, सी ऑप्शन इज द बच्चे करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 35th क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ वेसल्स आर्टरीज। आर्टरीज कितना इजी क्वेश्चन पूछा, हमें पता है कि आर्टरीज जो ऑटा है, ऑटा से निकलने वाली आर्टरीज हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करती हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक, इनका काम होता है पहुंचाना। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन, बिल्कुल ये भी बात सही है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ओके, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ये ऑटा जो है इसका कनेक्शन, ये लाया कहाँ से है सारा ये ब्लड, हार्ट से तो लाया है, लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं तो भेजा था, ठीक है, तो हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक कैरी करना, ये ऑप्शन सही लग रहा है। ब्रेकअप इंटू कैपिलरीज रीयूनाइट टू फॉर्म द वेन, यहाँ पे ये नहीं लिखा है, उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं लिखा है। कैरी द ब्लड फ्रॉम वन विसरल ऑर्गन टू द अनदर विसरल ऑर्गन, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मुझे बी ही लग रही है, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द ब्लड कोएगुलेशन, कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है, ये भी क्वेश्चन मैं
अभी जो हमारे हुए हैं क्वेश्चन उन्हीं में आ गया था। मैंने आपको बताया था प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ था, किसने करवाया था, थ्रम्बोकाइनेज ने, काइनेज ने, ये एंजाइम था विद द कैल्शियम, इन दोनों ने थ्रोम्बिन को बनाया एंड दिस थ्रोम्बिन कन्वर्ट द फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन एंड दिस फाइब्रिन विल लेड टू द क्वेगुलेशन ऑफ द ब्लड। ये क्वेगुलेशन में हेल्प करता है, इट विल क्वेगुलेट द ब्लड। तो क्वेगुलेशन के लिए फाइब्रिनोजन, यहाँ पे आंसर दिया है ग्लोबुलिन, आपके डिफेंस से रिलेटेड है बच्चे। सीरम अमाइलेज के साथ सीरम लिखा है यहाँ पे, अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हमें हेल्प करता है एंड एल्ब्यूमिन हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई फिर हमारे पास, फाइब्रिनोजन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ह्यूमन द बंडल ऑफ अ हिस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर एस ए नोड का हमारे पास पूछे, ए बी नोड के बारे में हमारे से पूछे, बंडल ऑफ अ हिस के बारे में हमारे से पूछे, या पुरकिंजे फाइबर्स के बारे में, एक मिनट, पुरकिंजे फाइबर्स के बारे में हमारे से पूछें, तो ये सारे जो हैं किसके लिए थे, रिस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इट स्टार्ट द एक्शन पोटेंशियल दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, तो ये हार्ट से रिलेटेड सारे, और दीज आर द नोडल टिश्यू, दीज आर द नोडल टिश्यूज मेड अप ऑफ मसल्स। ठीक है, मसल से बनने वाले ये नोडल टिश्यूज हैं, जो ये कहाँ प्रेजेंट है, अपर राइट कॉर्नर पे, ये कहाँ प्रेजेंट है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में। ठीक है, वहां पे लोअर साइड पे, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। बंडल ऑफ हिस आपकी प्रेजेंट है लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीचों बीच, और पर्किंजे फाइबर इस तरह से वेंट्रिकल से होते हुए इस तरह से बिखरे पड़े हैं फाइबर्स की तरह। तो यहाँ पे हार्ट इज द करेक्ट आंसर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, व्हाट आर द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक ब्लड वाइट ब्लड सेल, जो कि फैगोसाइटिक नेचर के हैं, फैगोसाइट्स जो इनगल्फ कर लेते हैं फॉरेन मटेरियल को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो भी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं जैसे बैक्टीरिया जैसी चीजों को खा जाना, इनगल्फ कर लेना, इज नोन एज अ फैगोसाइटिक। ठीक है, अब आपको फैगोसाइट्स के नाम ढूंढने हैं, न्यूट्रोफिल, यस इट इज फैगोसाइटिक, इओसिनोफिल हमारा एलर्जिक रिएक्शन को रिजिस्ट करता है, एलर्जिक रिएक्शंस को या पैरासिटिक रिएक्शंस को रिजिस्ट यानी रोकता है। ठीक है, एलर्जिक भी बोल सकते हैं, एलर्जिक एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस को रोकने का काम करता है, तो ये फैगोसाइटिक नहीं है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट हमारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों ही इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नहीं है। मैक्रोफेजेस, यस दीज आर फैगोसाइट्स। इओसिनोफिल फिर से आगे, ये नहीं है। लिम्फोसाइट हमारे पास बी एंड टी लिम्फोसाइट डिफेंस मैकेनिज्म के लिए हैं एंड नाउ इम्यूनिटी के लिए हैं। नाउ न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, दे बोथ आर नोन एज फैगोसाइट, ये दोनों ही फैगोसाइट्स हैं। इनका काम है फॉरेन मटीरियल को इनगल्फ कर जाना, खा जाना, बैक्टीरिया को खा जाना। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिस्टामिन एंड नेचुरल एंटी कोएगुलेंट हेपरिन आर रिलीज्ड बाय व्हाट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो न्यूट्रोफिल का काम होता है, बेसोफिल का क्या काम होता है, ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपने फर्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, न्यूट्रोफिल का अभी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, न्यूट्रोफिल आपके फेगोसाइट्स की तरह है, इओसिनोफिल एलर्जिक और पैरासिटिक रिएक्शन को रिजिस्ट करते हैं, लिम्फोसाइट ये सारा मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर आंसर अभी बता रही हूँ, बेसोफिल जो है वो आपके क्या होते हैं, हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बेसोफिल्स, ये काम है इन तीनों, ये तीनों चीजें जो हैं इसी से प्रोड्यूस होती हैं, बेसोफिल से। ठीक है, मोनोसाइट क्या थे, फैगोसाइट, ये भी फैगोसाइट है, न्यूट्रोफिल क्या था, फैगोसाइट, और इओसिनोफिल एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन को रिजिस्ट करते हैं।
पैरासिटिक इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट है, दैट इज 40. अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड अपॉन द फोर स्लाइड सेपरेटली. हर एक चीज का, सीरम का जो सैंपल था, लिम्फ का जो सैंपल था, ब्लड का जो सैंपल था, प्लाज्मा का, इन सब का 4 स्लाइड्स ली और हमने उनके ऊपर एक एक ड्रॉप जो है इसका वो प्लेस कर दिया. विच वन विल नॉट कोएगुलेट. लेकिन कोएगुलेशन किस में नहीं होगी. अब ब्लड में कोएगुलेटिंग प्रोटीन्स तो होती हैं, प्लाज्मा में भी कोएगुलेटिंग प्रोटीन्स होती हैं. तो देखिए इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कोएगुलेट नहीं करेगी. तो जिसको डेफिनेशन आती होगी सीरम की, सीरम क्या चीज होती थी, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर. जिसको ये बात पता है, जिसको ये पता है कि सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर होते ही नहीं है, माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये कोएगुलेट नहीं करेगा, ये क्लॉटिंग शो नहीं करेगा. सो दिस इज द ओनली सैंपल विच विल नॉट कोएगुलेट. बाकी ये भी कोएगुलेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है. तो जब भी हम स्लाइड्स के ऊपर इनकी एक एक ड्रॉप डालेंगे, सिर्फ ये एक ऐसी चीज है जो कोएगुलेशन शो नहीं करेगी. वो क्यों? क्योंकि ये एक प्लाज्मा वाला फ्लूड पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते, इसमें फाइब्रिनोजन जैसी चीज नहीं होगी जो क्लोटिंग करेगी. तो इट इज अ प्लाज्मा, इट इज अ फ्लूड पार्ट विच इज विदाउट क्लोटिंग फैक्टर. सो हियर आई एंड माई वीडियो. द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइड इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज ऑन डिफरेंट चैप्टर्स. बिकॉज अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक रेगुलर क्लास का पैटर्न बनाऊंगी एंड आई विल शेयर माई videos which is related to the 11th class and 12th class bio. 12th class bio ka class rahega daily. And please subscribe if you want more MCQs for your revision. This is the preparation for the 11th class and 12th class and also for the NEET exam and also for the teaching exams. If you want to get enrolled into these then please subscribe my channel. It will help me a lot and for you also. Thank you. Please subscribe Science Side Bache.